बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह की फ़ज़ल से आप सब अच्छे रहो। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक पाई की रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल तरीके से और खाने में इतने मज़े के बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा। ये मैंने बीफ के पाए लिए थे, इसे मैंने बॉयल कर लिए हैं और आधे घंटे मैंने स्लो पर रख दिए थे। ये इसमें मैंने खड़ा गरम मसाला डाला था, नमक डाल के इसको बॉईल कर लेता है। खड़ा गरम मसाले में जैसे तेज़पत्ता, काली मिर्ची, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग डाली थी और ये सारी चीज़ों को डाल के हमने बॉईल कर लिए थे। इसको रखते हैं साइड में। तो इधर मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल चढ़ा दिए थे और इसके अंदर मैंने 1 प्याज को काट के लाइट ब्राउन कर लेंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने पीस लिया था, वो भी मैं इस टाइम ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स बहुत जल्दी से बन जाते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। प्लीज़ फ्रेंड, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वीडियो को फुल देखा करें। ये मैंने अदरक लहसुन डाल दिया 1/2 चम्मच, हल्दी डाल देंगे 1/2 चम्मच से कम, गर्म मसाला डाल देंगे 1/2 चम्मच और इसमें डाल देंगे हम धनिया पाउडर 5 चम्मच। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे बताया ज़रूर करें फ्रेंड, बहुत ज़्यादा बताया करें, मुझे आप सबके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ना। तो 1/2 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर हम मिर्ची, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं। तो मिर्ची मैंने बिल्कुल सही डाली थी और बहुत चटपटे पाए बन के तैयार हुए थे। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था, आप नमक मिर्ची देख लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि नमक जब हमारे पाए उबल रहे थे तो हमने उसमें भी डाला था। और अच्छे से मसाले को भून लेंगे, मसाला जब तक भुने जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। तो देखिए मसाला अच्छे से हमारा भुन चुका है, ये देखें तेल ऊपर आ चुका है। फ्रेंड्स मैं आप सबके लिए इतनी सिंपल सी इजी सी रेसिपी लेके आती हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताया भी करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। जो हमने पाए को उबाला था अब इसका हम ऐड कर देंगे अपने पाए को, सारे पाए डाल देंगे और पाए डालने के बाद ना इसे हमें फिर अच्छे से भुनेंगे 2 से 3 मिनट मसाले के साथ। तो बहुत छोटी सी रेसिपी है फ्रेंड, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल देखा करें। जब आप लोग वीडियो फुल नहीं देखते हैं तो वीडियो क्या होता है ना, डाउन हो जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो ये देखें हमने सारे पाए डाल दिए, अब मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सारे पाए को। देखें ये इसको हम 2 से 3 मिनट तक ना पाए को भून लेंगे मसाले के साथ। और यकीन मानिए फ्रेंड, जब आप अपने घर में इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत आपको टेस्टी भी लगेंगे और जल्दी से बन भी जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मसाला अच्छे से पाए को भून लिया हमने 2 से 3 मिनट। ये देखें अब इसके अंदर जो हमने पाए का जो सूप था जब यानी शुरुआत था इसका, वो भी हम ऐड कर देंगे पानी इसका। तो पानी जो था ना मैंने सारा डाल दिया था पाए का। तो देखिए अभी इसमें कितना पतला है, जब ये खूब पकेगा तो गाढ़ा हो जाएगा हमारा शुरुआ। अब इसके अंदर हमें कुछ नहीं डालना, इधर मैंने नमक टेस्ट करा था तो नमक बिल्कुल सही था क्योंकि मैंने पाए उबलते में भी डाला था, थोड़ा सा वैसे भी डाला था मसालों में। तो ये देखें मेरी ये आदत है कि मैं साफ़ करती रहती हूँ हाथों हाथ, तो मुझे वो गंदापन अच्छा नहीं लगता। तो देखिए पाए में अच्छे से उबाल आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर हम ना बस एक चीज़ और डाल देंगे, ये देखें पाए अच्छे से पक रहे हैं हमारे। इसके अंदर हमें एक मसाला और डालना है, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या डालेंगे इसके अंदर। तो ये ले लिया हमने दालचीनी का टुकड़ा, जायफल और जावित्री, इन चीज़ों को हम कूट लेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए मैंने कूट लिया, ये मैं सारा डाल दूँगी, 1/2 चम्मच चाय वाला हो गया था ये। तो बस हमारे पाए जो है ना बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और जो ये आप देख सकते हैं कि आपको कितना शुरुआत पतला रखना है, गाढ़ा रखना है, ये आप अपने हिसाब से देख लें। तो मैं अच्छे से जो मैंने मसाला डाला था वो उसके साथ में पका रही थी, जो मैंने कुटावा और केवड़ा एसेंस डाला था मैंने 2 कतरे बस। अब देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसे मिक्स करने के बाद ना इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएँगे और इसको हम ढक देंगे। जब आप इस तरीके से पाए बनाएंगे ना तो बिल्कुल बाहर जैसे पाए बनेंगे फ्रेंड्स, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी पाए की, बहुत ही अच्छी जिसे कहते हैं। तो ये देख सकते हैं इसको मैं ढक देती हूँ और गैस मैंने बंद कर दिया, पाए जो है ना हमारे बनके बिल्कुल तैयार हो गए फ्रेंड्स, और इसका तेल भी जो ऊपर आ जाएगा, ये देखिए तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, मज़ेदार से पाए। इसको मैं बिल्कुल भी सर्व नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी नहीं खाने, आप इसे चावल के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, सादी रोटी के साथ खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पाए की अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।
जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।